आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना काल में जहां तमाम लोग और समाजसेवी संस्थाएं लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं गैस एजेंसियां और उनके हॉकर घटतौली करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ब्लॉक बरौली अहीर के गांव गढ़ी नवलिया में घटतौली के सिलेंडर पकड़े गए तो गैस हॉकर सिलेंडर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। गुरुवार को शहीद के नाम से संचालित एक गैस एजेंसी के हॉकर को घटतौली करना महंगा पड़ गया। दरअसल ये गैस हॉकर गांव में सिलेंडर सप्लाई करने आया था, तभी एक युवक ने सिलेंडर का वजन कराया तो गैस एजेंसी के हॉकर के पास मौजूद वजन मापन मशीन ने उसका वजन सही बताया। लेकिन जब यही वजन पास की ही एक दुकान में कराया गया तो हर सिलेंडर में 2 से 3 किलो गैस कम निकली। जब इस गैस हॉकर से ग्रामीणों ने पूछा तो उसका कहना था कि उसको ये वजन मापन मशीन और सिलेंडर इसी तरह गैस एजेंसी से मिलते हैं। मौका देखकर यह हॉकर सिलेंडर गांव में छोड़ भाग खड़ा हुआ। इस मौके पर गांव के चौराहे पर एकत्रित ग्रामीणों का क्या कहना था, आप खुद ही सुनिए। 3 दिन पहले मैंने सिलेंडर मंगाया था तो मैं 3 दिन सिलेंडर चला मेरा, उसके बाद मैंने आज फिर मंगाया तो मैंने उसका वेट करा तो 26.5 किलो बैठा। उसके बाद उससे मैंने पूछा था कि करी तो सिलेंडर छोड़ के चला गया। तो आपने कहीं शिकायत की है? अभी तो कहीं नहीं की है, सिलेंडर छोड़ के चला गया। IOC के अधिकारियों से कोई शिकायत, कोई नंबर आपके पास हो? उनसे हमने फ़ोन करा था तो बोल रहे थे हमारे यहाँ से तो पूरा आता है सिलेंडर। गैस एजेंसी वाले? हाँ, मैनेजर से बात करी थी तो बोल रहे थे यहाँ से पूरा आता है सिलेंडर और आप वेट करके लीजिए और नहीं है तो आप उनको पकड़ लीजिए, तो भाग गया सिलेंडर छोड़ गया। आपने ऐसा है जिन लोगों को जो सिलेंडर देने आया होकर वो इन लोगों ने जैसे वो उनकी मशीन है उससे तोल के देते हैं, तो उससे तो पता नहीं कैसे तोलते क्या करते हैं वो लोग, उसे पूरा बैठ डाल देते हैं। और जो कांटा है लोकल जो गांव में अमूमन तोलते हैं जो लोग खल चुनी की या किसी भी दुकान पर कांटा रखते हैं तो 2 किलो से 2.5 किलो तक कम बैठता है। तो आज क्या मामला हुआ? इन लोगों ने सिलेंडर लिए, सिलेंडर लेने के बाद उनने अपनी मशीन से तोल के दे दिए। अचानक एक लड़का हमारे यहाँ ये है, ये लड़का इसने कहा कि ये कम हो सकते हैं, इसने कांटे बुला दिए, उसके बाद पता लग गई तो उसे खड़ा भी किया लेकिन वो चकमा देके झूठ साथ बोल के निकल गया और ये सिलेंडर छोड़ गया है। बात जब गैस एजेंसी के मैनेजर तक पहुंची तो मैनेजर ने सुलह सफाई के प्रयास शुरू कर दिए। इस मैनेजर ने गांव के छुटबैया नेताओं से संपर्क साधा जिन्होंने मामला रफा दफा करने के लिए ग्रामीणों को ऊंच नीच समझाई और आगे से घटतौली नहीं होने का आश्वासन भी ग्रामीणों को दिया। लेकिन इन सब कवायदों के बीच एक सवाल जरूर उठता है, जब इस वैश्विक आपदा के समय में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद को तत्पर है, ऐसे में बेरोजगार बैठे लोगों के चूल्हे तक से गैस एजेंसी संचालक या हॉकर चोरी करना इन लोगों की मनोदशा को बताने के लिए पर्याप्त है। सुलह सफाई के बावजूद तमाम ग्रामीण IOC अधिकारियों से संपर्क कर इस गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।